हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम मोहम्मद नाजिम, वेलकम टू लाइक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक जनरेटर बनाने वाले हैं, ठीक है। और इस जनरेटर को भी मैंने बहुत अच्छी और सिंपल तरीके से बनाया है, ठीक है। पूरा वीडियो आपको मैं समझाऊंगा और इसमें यह भी बताऊंगा कि इसमें मैंने मोटर कौन सी यूज की है, किससे मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना। दोस्तों, इस जनरेटर की वीडियो से पहले मैंने बनाया था यह जनरेटर, और इस जनरेटर को मैंने एक सिंक्रोनस मोटर से बनाया है, ठीक है। और उससे भी पहले मैंने बनाया था यह जनरेटर। ये इसमें मैंने यूज किया है एक 12 वोल्ट की मोटर और एक 0 आरा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसकी मदद से बनाया है। तो आज का जनरेटर हम बनाने वाले हैं एक वाटर पम्प की मदद से, ठीक है। तो इस वाटर पम्प की मदद से भी आप बहुत ईजिली तरीके से LED बल्ब को ग्लो करा सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन करना चालू कर देते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको बस खोल लेना है, बहुत आसानी से खुल जाएगा। अब ये रहा दोस्तों मैग्नेट, ठीक है। तो इस जनरेटर में इस मैग्नेट का बहुत अहम रोल है, ठीक है। इसी से ही पूरा जनरेटर यहाँ पर वर्क करेगा। एंड यहाँ पर ले रखा है मैंने एक 775 DC मोटर, और काफ़ी स्ट्रांग मोटर होता है। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में ये यूज भी होता है, और ये वायरिंग वाला मोटर है, और ईजिली आपका 12 से 24 वोल्ट के बीच में रन आउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस मोटर से ही हम इस जनरेटर को मेक करने वाले हैं। और जो मैग्नेट है दोस्तों, इस मैग्नेट को हम क्या करने वाले हैं कि इस मोटर की शाफ्ट में फिक्स करने वाले हैं। तो ये ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि मोटर जो मैग्नेट का होल है वो बहुत छोटा है। तो सबसे पहले हमें इस क्या करना है कि इसका जो इम्पेलर है इसको कट करना पड़ेगा। और कट करने के लिए दोस्तों ग्राइंडर का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ग्राइंडर से क्या है कि थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे हमारी मैग्नेट ख़राब हो सकती है, ठीक है। अगर उसके पल्स चेंज हो गए तो आप उसे दोबारा रिचार्ज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप किसी हैक्सा ब्लेड की मदद से इसको कट कर लोगे, ठीक है। बहुत सावधानी से आपको कट करना है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, जो ड्रिल बिट है, ठीक है, ये आपको 5 mm की लेनी है, जो मोटर के साफ जितनी मोटी हो, ठीक है। तो उससे हम इसको होल करेंगे। अब होल करने में भी दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है। आप देख ही सकते हो वीडियो में, मैं इसको सही से पकड़ नहीं पा रहा था। तो प्लीज़ मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि जैसे मैं पकड़ के होल कर रहा हूँ आप ऐसे पकड़ के होल करें, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, मैं नहीं चाहता आपकी चोट लगे, ठीक है। तो होल दोस्तों आपको बिल्कुल सीधा करना है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, एकदम बिल्कुल सीधा होल करना है इसमें। अगर दोस्तों इसके रनिंग के दौरान हल्की सी भी इस मैग्नेट में बबलिंग हुई तो हमारा जनरेटर वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल इसमें सीधा होल करें। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बिल्कुल सीधा होल करना है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि मोटर की जो शाफ्ट है इसमें हमने 5 mm तो होल कर ही रखा है मैग्नेट में, ठीक है, इसको बैठा देना है। अब बैठाने के लिए भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़ोर ज़ोर से इसमें मारें जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत आराम आराम से बैठा लेना है। कई बार क्या होता है कि इस मोटर की शाफ्ट को हम इस मैग्नेट में बैठा लेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। मैग्नेट जो है टूट जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको मेक कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो पंप है इसको वहाँ पे फिक्स करके देखना है, ठीक है। तो 775 दोस्तों मोटर इसमें यूज करने का बस एक यही रीज़न है मेरा कि इसमें मोटर बिल्कुल फिक्स आ जा रहा था। आप देखें यहाँ पर बिल्कुल फिक्स आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में भी हल्का सा इसमें लूज हो रहा था, मैंने इसको चेक करके देखा, लेकिन इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। तो हम इस पर क्या करेंगे दोस्तों, जो पेपर टेप होता है, ठीक है, वो मोटर पे बैंड कर देंगे चारों ओर, ठीक है। ये टेप हमें इस पर लगा देनी है अच्छी तरीके से, और टेप की जो है कटिंग कर लेनी है दोस्तों बहुत फिनिश के साथ, जो कि फिनिशिंग थोड़ी ज़रूरी है। अच्छा लगता है कोई भी प्रोजेक्ट में अगर हम फिनिशिंग थोड़ी करते हैं तो उसमें ठीक लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टेप को बैंड कर देना है आगे की तरफ, और जो पीछे की साइड में एक्स्ट्रा टेप है उसको हम यहाँ पर कटर से काट देंगे, ठीक है, ब्लेड से काट देंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 775 ही मोटर यूज करें, किसी भी तरीके का कितने भी वोल्ट का आप यहाँ पर DC मोटर यूज कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। 3 वोल्ट का हो, 5 वोल्ट का हो, कितने भी वोल्ट का मोटर हो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि क्या करना है कि मोटर को बस जो मैग्नेट है उसको रन कराना है इस टिल्लू पंप के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये फिक्स बढ़िया तरीके से हो जाएगा, लेकिन हमें अभी इसमें फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस पर अभी स्प्रे पेंट करना है। सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है क्योंकि एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ में स्प्रे पेंट। तो देखिए कुछ पेंट होने के बाद में यह इसका लुक आया है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं कि जो हमने अभी मोटर टेप लगा के जो तैयार की थी, ठीक है, इसको इसमें फ़िक्स करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों इसकी कितनी लाजवाब फिटिंग आने वाली है, ठीक है। तो 775 DC मोटर इसमें यूज करने का यही एक रीज़न है क्योंकि इसकी कैबिनेट में ये मोटर बिल्कुल फिक्स आ रही थी। अब यहाँ पर हम सुपर ग्लू लगा देंगे,
अब सुपर ग्लू भी दोस्तों लगाने का मैंने बताया था, ये बेनिफिट है जो हमने टेप लगा रखी है उस पे लगेगा ये, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम में इस मोटर को ईजिली निकाल सकें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को दोस्तों एक प्लाईबोर्ड जो है इस पे सेट कर देना है हमें। यहाँ पर हम जनरेटर को क्या है कि फिक्स कर देंगे, स्क्रू लगा देंगे। तो जो जनरेटर का जो ट्रांसफार्मर वाला जो वीडियो था, ठीक है, वो कुछ भाइयों का अभी भी इसमें यह मानना है कि वो वर्क नहीं करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप करोगे, आप प्रैक्टिकली उसे करके देख लिए वो वर्क करेगा ही करेगा। तो हमें यहाँ पर ले लेना है एक बल्ब होल्डर, और इस बल्ब होल्डर में क्या करना है कि जो टुल्लू पंप जो वाटर पंप है इसकी वायर को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी वायर थी, इतनी वायर की हमें नीड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐड कर देना है। दोस्तों मैं काफ़ी समय से एक प्लाज्मा प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, अगर आपको प्लाज्मा के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। और बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो मुझे, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो बल्ब को ऐड कर देना है, यहाँ पर हम एक ही स्क्रू से यहाँ पर इसको होल्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नॉर्मली टेम्परेली बनाना है। तो देखिए जनरेटर कम्प्लीट होने के बाद में कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है, ठीक है, मोटर बिल्कुल होल्ड हवा में लटका है, मतलब जनरेटर में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वाइट कलर का हल्का सा टेप लगा देंगे, बस अच्छे लुक के लिए लगा रहा हूँ, जो कि पूरा ब्लैक ब्लैक ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। बात दोस्तों हम इसकी करने वाले हैं यहाँ पर टेस्टिंग, तो टेस्टिंग करने के लिए हम इसको चलाएंगे BMS बैटरी से। ये 12 वोल्ट का 3S BMS बैटरी है, 10 एम्पियर, ठीक है, तो इससे हम इसको चलाने वाले हैं। और वैसे तो दोस्तों वर्क करेगा ही करेगा, हर वीडियो में जैसे जनरेटर वर्क करता है, अपना यह प्रोजेक्ट भी वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उसमें हम मतलब बैटरी को ऐड कर देना है उसमें मोटर के पीछे टर्मिनल में, माइनस प्लस दोस्तों इसमें कोई मायने नहीं रखता, आप प्लस में माइनस लगा सकते हो या माइनस का प्लस लगा सकते हो, मतलब मोटर की क्या कह मैग्नेट रन होना चाहिए, ठीक है, वो क्लो वाइज हो या एंटी क्लो वाइज हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके का आप यहाँ पर मोटर के टर्मिनल पे कनेक्टर लगा के, ठीक है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है ये 12 वोल्ट का, तो यहाँ पर आप जो है अडेप्टर से भी इसे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर अभी इसको 12 वोल्ट अडेप्टर से सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये रन करेगा बढ़िया तरीके से। लेकिन इसमें इस जनरेटर में दोस्तों मुझे एक हल्का सा डिफरेंस लगा, शायद आपको वीडियो में वो चीज़ नज़र आए या ना आए पता नहीं, मतलब मैं इसे जब चार्जर से अडेप्टर से चला रहा था तब ये बहुत अच्छे से वर्क मतलब कर रहा था, दोनों में ही ठीक कर रहा था, लेकिन ज़्यादा अच्छे से वर्क ये दोस्तों बैटरी से ही कर रहा था। जैसे अभी मैं फिर से बैटरी से चलाऊंगा इसे, तो आप सही से देखना ये बैटरी से ज़्यादा बढ़िया वर्क कर रहा था, ठीक है। तो आप चाहें तो अडेप्टर से भी चला सकते हैं इसे, 12 वोल्ट बैटरी से भी चला सकते हैं। और 775 DC मोटर दोस्तों अगर आप यूज करोगे तो जो पंप है वाटर पंप है इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसमें फिनिशिंग के साथ ये फिटिंग आ जाएगी, ठीक है, फिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, मोटर फिक्स हो आ जाएगी। जैसा कि आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 775 ही DC मोटर लगाइए, कोई से भी मोटर से आप इस जनरेटर को बना सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।